मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामना दी और कहा कि बड़ी खुशी की बात है, इस ठंड में भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, सब लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्रिमंडल के लोग आए, उनका भी स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि खुशियां बांटने की चीज़ होती है, खुशियां बांटने से अच्छा लगता है। वहीं महागठबंधन में खटपट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, बार बार ये बात आ ही जाती है, बार बार हम सफाई क्यों दें, जो बात धरातल पर उतर नहीं रही वैसे सवालों का जवाब क्यों दें। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से महागठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, जिस तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, जातीय जनगणना की गई, सभी का मानदेय बढ़ा दिया गया, बिहार में इन्वेस्ट होना शुरू हो गया, इन सभी चीज़ों से वे लोग डर गए हैं, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वहीं सीट बंटवारे पर बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको क्या पता कि सीट बंटवारा हुआ है या नहीं, आपको पता नहीं, क्या पता है, हो सकता है सीट बंटवारा बिहार में हो गया हो। सर मुख्यमंत्री साथी की सबसे पहले आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, पूरे देशवासी बिहार के लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं, और लगातार हम लोगों के घर में परंपरा रही है, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रहे हैं तब तब जो है मकर संक्रांति जो है उस दिन खास दिन पर लोगों को दही चूड़ा कोहड़े की सब्जी तिल को खिलाने का काम करते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है इतनी ठंड में भी हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं और सब लोगों का हम लोगों ने स्वागत किया, और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं उनका भी स्वागत किया गया, सभी मंत्रिमंडल के लोग, सब लगभग सभी मंत्रिमंडल के लोग जो है यहाँ आए हैं, उन सब लोगों का भी हम लोगों ने स्वागत किया है। और ये पर्व त्योहार तो हम लोग लगातार शुरू से मनाते रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात होती है कि खुशियां जो है सब में बांटी जाती है, तो अच्छा लगता है हम लोगों को। लगातार बहुत खटपट चल रहा है, क्या बेकार की बातें, देखिए इसमें हम बार बार कितने दिनों से चल रहा है और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा, जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई, जब से आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायक समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया, कई पॉलिसीज हम लोगों ने लाया, अब बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है कि भाई ये लोग तो अपना कमिटमेंट भी पूरा करके आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता रहे इससे कोई फर्क पड़ने वाला। आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है, आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है, क्या पता हो गया हो, तो इसकी चिंता आप ना करें।